हाँ जी, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, मेरे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 में इफ ए एंड जी आर जो है एम एंड जीएम रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। बेटा प्रॉब्लम ही है कि जब मैं आप करवा रही हूं ना तो आप बीच में बोल रहे हो, फिर आप कहते हो मैम हमारा काम पेंडिंग हो जाता है। प्लीज लिसन इट केयरफुली, हमारे पास टू नंबर्स हैं एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ की व्हाट दैट नंबर इज, लेकिन उनका ए एम एंड जी एम इज गिवन टू अस। दे सेड कि ए एम इज ए एंड जी एम इज जी। इफ टू नंबर्स आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी तो ए एम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए प्लस बी बाय टू ऐसे ही कैलकुलेट करते। इफ टू नंबर्स आर ए एंड बी देन हाउ वी कैन कैलकुलेट जीएम? रूट ए बी, यही होता है कि नहीं? अब यहां से क्या करते हैं, वी कैन कैलकुलेट ए प्लस बी, वो क्या आएगा? टू ए, स्केयरिंग कर दे तो ए बी क्या आएगा? जी स्केयर। अब देखिए मेरे पास क्या है, टू नंबर्स का सम दिया है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, और आपको पता है इफ यू आर गिवन विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस तो आप इक्वेशन क्या बनाते थे? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, एम आई राइट? है ना, हमने ए भी अपनी तरफ से लिया और हमने इसको कैलकुलेट करना है कि नहीं करना? तो अब एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? ए प्लस बी, प्रोडक्ट ए बी, और इसकी जगह पे ए प्लस बी की जगह पे कैन आई राइट टू ए, और ए बी की जगह पे जी स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? बताती हूं आगे। दैट मीन्स दिस इज अ इक्वेशन हुज जीरोज आर ए एंड बी, हुज जीरोज आर स्मॉल ए एंड बी, और उसी को कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि उसने कहा है कि शो दैट they have written in the question that ki proof that the numbers are, numbers kaun se jo a aur b apni taraf se liye, unki value nikal, unki value nikal nahi matlab x ki value nikal, quadratic hai to do hi niklenge na number, kyunki unhi ko zeros leke I make this equation or polynomial. ab main kya karungi yahan par beta, x is equal to minus b aayega, तो दैट मीन्स माइनस बी मतलब प्लस टू ए हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्केयर, बी स्केयर मतलब फोर ए स्केयर माइनस फोर ए, और क्या हो गया सी बाय टू ए, दैट इज टू ए प्लस माइनस फोर बार लू तो टू, और मेरे पास हो गए जी स्केयर, ए स्केयर माइनस जी स्केयर बाय टू। अब टू टू कॉमन लेके नीचे वाले के साथ कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, दैट इज ए प्लस बी रूट, इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर को ए माइनस बी ए प्लस बी, और टू टू कैंसल हो जाएगा बस। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया? अदर प्रॉब्लम, अरे अब 27th एंड 28th, ओके। वैसे 27th प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी क्योंकि हमने एएम वाला क्वेश्चन किया हुआ था ऐसा, चलो फिर भी है ना, फॉर योर सेक आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27th, वेरी इजी टू डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच मेरे पास एक्स ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन ओवर ए पावर एन प्लस बी पावर एन मे बी द जीएम बिटवीन टू नंबर्स, मे बी द जीएम बिटवीन द टू नंबर्स। अब मुझे पता है कि जीएम क्या होता है, अभी हमने किया ना दो नंबर्स के बीच में रूट ए बी, आपने ही बताया था ना मुझे, तो दैट मीन्स हेयर आई कैन राइट रूट ए बी, रूट मीन्स मैं इसकी पावर क्या बना सकती हूँ, वन बाय टू, तो दैट मीन्स ए की पावर वन बाय टू, बी की पावर वन बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे लिख के, इसको उधर ले जाते ट्रांसपोज कर देते,
तो जब मैंने ट्रांसपोज किया a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन, a पावर दिस b पावर वन बाय दिस a पावर n दिस, अब ओपन कीजिए. ओके जब ओपन करती हो तो क्या आता है हमारे पास, दैट इज a पावर n प्लस वन बाय टू b पावर वन बाय टू और a पावर वन बाय टू. ओके क्लियर. अब a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन, अब क्या करें हमारे पास, व्हाट वी हैव टू डू. मैंने उसमें भी am वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैक्सिमम पावर्स वाले को कंबाइन करते हैं. अगर मैं देखूं a पावर n प्लस वन है और दोनों में से a की पावर मैक्सिमम किसके पास है, फर्स्ट वाले के साथ है ना, यानी इसको उधर ट्रांसपोज कर दूं, इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं, तो मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा. इफ यू सी हियर, हाँ जी, a पावर n प्लस वन माइनस a पावर n प्लस वन बाय टू b पावर वन बाय टू, दैट इज इक्वल टू a पावर वन बाय टू b पावर दिस माइनस b पावर n प्लस वन. ओके बेटा क्लियर. अब देखिए दोनों में से कॉमन ले लीजिए, मेरे पास क्या कॉमन आएगा, a पावर n प्लस वन बाय टू कॉमन ले लू, व्हाट इज लेफ्ट, कितना बचेगा, a पावर कॉन्फिडेंस हुआ क्या, थोड़ा सा बोलते हो इतना सा, आधा आंसर आधा, बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर सेइंग, ये सही पावर वन बाय टू, क्या मुश्किल, देखो a पावर n चला गया, ये वन था, वन में से हाफ गया, हाफ ही बचा ना, इतने क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, ये तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है. तो क्या बचेगा, a पावर नहीं पता चलता, इसमें से ये माइनस कर लो, सिंपल सी बात है. अब व्हाट इज लेफ्ट हियर, b पावर वन बाय टू, सेम व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर, b पावर n प्लस वन बाय टू, a पावर वन बाय टू माइनस b पावर वन बाय टू, ये कैंसल. am में भी तो ऐसा ही काम किया था हमने, अगर आपको याद हो सेम ही तो क्वेश्चन था. तो अब मेरे पास तो गेन हरनूर, हरनूर कौर को बात कह रही हूं, हाँ जी, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, a पावर n प्लस वन बाय b पावर n प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वन, ये पावर मैं कॉमन ले लू. ओके जी क्लियर. नाउ अब देखो इधर a बाय b है तो इधर भी इसकी जगह पे a बाय b की पावर जीरो. एक चीज याद रखना कि यहां पर n पे कोई कंडीशन तो नहीं है, दे जस्ट राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अगर मैं लिख देती पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n ना, देन नो वैल्यू एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि यहां से कंपेयर करके मेरे पास n की वैल्यू माइनस वन बाय टू. ओके n की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन बाय टू. अगर मैं स्टार्टिंग में कंडीशन डाल देती फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, देन एट द एंड यू हैव टू राइट नो वैल्यू एग्जिस्ट. यही छोटी छोटी चेंजेस होती है एग्जाम. ओके बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द स्टेटमेंट की व्हाट इज गिवन देयर. चलो बेटा आगे क्लियर. नाउ नेक्स्ट मेरे पास हो गए, हाँ जी 28. ओके क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी, द सम ऑफ द टू नंबर इज, अब मुझे नंबर्स नहीं ना पता, मैंने क्या कर लेना है, लेट कर लेना, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, सम ऑफ टू नंबर इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वेरी गुड, अब तो पता चल गया ना, है ना. अब उन्होंने कहा शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, दैट मीन्स आई हैव टू शो ए बाय बी इज थ्री प्लस टू रूट टू ओवर थ्री माइनस टू रूट टू. मुझे ये प्रूफ करना. ओके बेटा क्लियर. अब यहां पर क्लियर कट देखिए मेरे पास,
इसमें एक जो कॉन्सेप्ट लगना है ना, कॉम्पोनेंट डिविडेंड, अगर आपको याद हो हमने टेंथ में भी बताते हैं कई बार, और प्लस वन में भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, मैं रिकॉल कर रही हूँ एक बार कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो होता क्या। ओके ये नहीं जरूरी नहीं प्लस वन, मैं आपको बताती हूँ। इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, इफ आई राइट राइट अप्लाइंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, तो देन बेटा मेरे पास जो है क्या करोगे, यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है बेटा वो ऊपर प्लस, अगर करनी है तो दोनों साइड्स पे प्लस, माइनस करना है तो दोनों साइड, मतलब एक जैसी जो है हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक जैसा ऑपरेशन कह सकते हैं, फॉर्मूला नहीं ऑपरेशन, मतलब ए बाय बी, इधर नीचे भी ए लिखना है, बी प्लस बी माइनस, बी माइनस इधर डी प्लस डी माइनस, अगर यहां माइनस करती हूं तो इधर भी माइनस, इधर प्लस इधर प्लस, सेम ऑपरेशन दोनों साइड्स पे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये पता चला कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या होता है। ओके इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई सी एंड डी भी कह देते हैं। ओके अप्लाई सी एंड डी, अब मैंने ये प्रूफ करना है, मैंने यहां पर क्या किया, जस्ट सी ए प्लस बी रूट ए बी, और जो ये थ्री सिक्स था इसको टू इंटू थ्री लिख सकती हूँ, जो इसके साथ टू भी था ना वो भी मैं नीचे ले आई, सिर्फ थ्री रहने दिया, मुझे कैसे पता चला क्यों करना ऐसे, क्योंकि हाँ जी नहीं नहीं एम कहाँ बनाई, नहीं नहीं तो रूट ए बी तो भी तो है, हमें तो ए एम निकालने को ही नहीं कुछ का, उन्होंने मुझे कहा ए और बी की रेशियो कैलकुलेट करनी, अब अगर ए और बी की रेशियो कैलकुलेट करनी है मुझे आंसर में ए बी चाहिए, सबसे बड़ी बात है मुझे रूट खत्म करना, सबसे पहला काम है ना, मैं क्या करूंगी, मेरे दिमाग में क्या आया, मैं ए को ऐसे लिख सकती हूं, मैं बी को ऐसे लिख सकती हूं, नीचे रूट ए रूट बी मैंने अलग कर दिया, अब मैंने अप्लाई किया कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, जब मैंने कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई किया ऊपर वाली टर्म ऊपर भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखी, डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, यहां कुछ नहीं था नीचे वन लगा दिया था, लगाया था कि नहीं, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब देखिए कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है, Have you analyzed anything? Yes. ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर टू बचा मेरे पास, ओके जी नीचे वन आ गया, अब ये स्केयर इकट्ठा कर दूं, ये स्केयर उधर जाके क्या बन जाएगा, हाँ जी बेटा बोलो क्या पूछना है, ये यहां पर अप्लाई सी एन डी कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाया, उसके बाद ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी हो रहा था, तो ए प्लस बी होल स्केयर, नीचे ए माइनस बी होल स्केयर, ओके क्लियर हुआ, अब ये स्केयर उधर गया ये रूट बन गया, रूट वन तो रूट ही रहना, ओ वन ही रहना, अब हाँ जी मेरे पास क्या करें, फिर से अप्लाई कर दे, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास रूट ए रूट बी की वैल्यू आ जाए ना तो मेरा काम स्केयरिंग होके हो जाएगा, तो मुझे क्लियर कट ये याद रखो, अगर कभी भी सेम सेम टर्म्स हो प्लस माइनस हो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगाओगे ना तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी सिंगल रह जाएगी नीचे भी सिंगल रह जाएगी, तो मैंने दोबारा से कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो ऊपर वाली टर्म ऊपर भी नीचे वाली टर्म प्लस और नीचे, जब मैं माइनस करूंगी साइन विल चेंज, ओके
कैंसल कैंसल, टू रूट ए टू रूट बी रूट टू प्लस वन बाय रूट टू माइनस वन, टू टू कैंसल, कैंसल हुआ कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, क्या करूं, स्केयरिंग कर दूं। अब मेरे पास जो टर्म है मैं रब कर रही हूं ये वाली चीज, मेरे पास क्या बचा था, रूट ए बाय रूट बी रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, स्केयरिंग ए बाय बी ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी ए स्केयर प्लस बी, यहां प्लस माइनस टू ए बी, हाँ जी थ्री प्लस टू रूट टू थ्री माइनस टू रूट, यही आंसर प्रूफ करना था मैं। बात समझ आई है ना, पहली बार लगता है आपको कि मैम यही मेथड क्यों लगा, इट मेक माई कैलकुलेशन इजी, दूसरे मेथड से कोई और से करोगे तो कैलकुलेशन ही बढ़ेंगी, हम फंस जाएंगे क्योंकि रेशियो चाहिए। इस क्वेश्चन में सेपरेट ए बी तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ही है। एक चीज अपने माइंड में सेट कीजिए, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट टू थिंग्स जैसे ए एंड बी, मिनिमम टू कंडीशन शुड बी गिवन टू यू, बट मेरे पास कितनी है, वन, तो मैं रेशियो निकाल सकती हूँ, मैं ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकती। ये बात सबको समझ आई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर, क्लियर। अगली प्रॉब्लम पूछी हरी, हाँ जी करिए करिए जल्दी, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलिए, एनी अदर प्रॉब्लम, सॉरी कौन सा बेटा, एग्जाम्पल 24, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 21 इज गुड, अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए, एग्जाम्पल 21 22 23 ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है लॉन्ग, हाँ जी ओके पहले एग्जाम्पल करवा दूं, है ना ओके हो गया बेटा डन, जपन जो शुड आई रब इट, ओके अब देखिए एग्जाम्पल 24, ये 6 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब आगे थे, यस आगे थे ना, अभी आने वाले पैटर्न में तो हमें पता ही नहीं है ना क्या, ठीक है ना, तो इसीलिए मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दीज क्वेश्चंस आर मेंट, ओके जितने मिसलेनियस 3 4 सब के लिए। अब बेटा देखिए व्हाट इज क्वेश्चन हियर, इफ प्लीज आर्यमान आर्यमान पी क्यू आर आर द जीपी, पी क्यू आर आर इन जीपी, जब भी थ्री टर्म्स जीपी में होती है क्या कंडीशन होती है, बहुत बार मैम कॉमन रेशियो सेम होती है, अगर आप कॉमन रेशियो सेम करते हो तो अल्टीमेटली क्या निकलता है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बोला था ना ऐसे, एपी में क्या होता था ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म सम ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है ना। चलिए जी तो मेरे पास मैं सीधा भी ये लिख सकती थी, ओके नाउ व्हाट दे हैव राइट एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू जीरो हैव कॉमन रूट, उन्होंने कहा है कि इनके कॉमन रूट्स हैं, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, उसने कहा कि या शो दैट दीज आर इन एपी, ये एपी में शो करना। अब बेटा अगर ये एपी में है तो मुझे क्या करना है, मिडल का ट्वाइस मुझे ये प्रूफ करना है, सम ऑफ एक्सट्रीम दैट आई नीड टू शो, ये मेरा टारगेट है, ये पता चल गया मेरा टारगेट क्या है। अब उन्होंने कहा है इन दोनों के कॉमन जीरो है कोई एक, अगर कॉमन जीरो है मेरे पास, मैं एक से जीरो निकाल लूं और दूसरे को सेटिस्फाई करा दूं, हो सकता है कि नहीं,
अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास गिवन है, आई विल राइट हियर। अब बेटा देखिए, आई स्टार्ट विथ पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ मेरे पास जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, है क्या नहीं बेटा, है क्या नहीं। अब देखिए, कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ पी आर, कैन आई राइट क्यू स्क्वायर, मैं लिख सकती गुरजोत, यही तो प्रॉब्लम है बेटा। व्हेन मैम इज सेइंग समथिंग, आपका एक सेकंड का ध्यान इधर डिवर्ट हुआ ना तो क्वेश्चन गया। अभी क्या बोला गुरजोत मैंने, बस वही एक सेकंड गया ना बेटा तो क्वेश्चन भी गया, आपकी प्रॉब्लम थी। हाँ जी बेटा, इन प्लेस ऑफ पी आर हमें क्या करना है, रिप्लेस करेंगे। जब मैं रिप्लेस करूंगी ये क्या बन गया, जीरो, फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर क्या बन गया बेटा, जीरो। अब रूट जीरो तो जीरो ही हो गया ना मेरे पास, तो अब मेरे पास क्या बचा, माइनस टू क्यू बाय टू बी, ये जीरो तो खत्म ही हो गए, तो जीरो जीरो कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट हो मेरे पास हो गए, सॉरी टू टू कैंसल, मेरे पास ये वाले टर्म लेफ्ट होगी। अब ये कॉमन जीरो किसका है, सेकंड इक्वेशन का भी है ना, इसको सेटिस्फाई करवा दे। तो जब मैं ये समझ आ गया बेटा, रब कर दू इतना पार्ट, सबको क्लियर हो गया। नाउ आई एम पुटिंग माइनस क्यू बाय पी इन दिस इक्वेशन इन प्लेस ऑफ एक्स, क्यों कर रही हूं पता है, दे जस्ट मेंशन इन द स्टेटमेंट कि उनका क्या है, कॉमन रूट है, कॉमन जीरो है, कॉमन रूट है, तो यानी अगर उसकी वैल्यू टू है तो इसकी भी वो टू वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी करेगी। तो आई एम पुटिंग हियर, तो मेरे पास डी माइनस क्यू बाय पी प्लस टू ई माइनस क्यू बाय पी प्लस एफ इक्वल टू जीरो। हाँ जी, स्केयर लगाने लगी हूँ जी, बिल्कुल। अब क्या करूं, इसको सॉल्व करें, एलसीएम मत लो अभी, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं, पहले जरा देखिए ध्यान से, हम सिर्फ ओपन करते हैं, डी क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस टू ई क्यू बाय पी प्लस एफ इक्वल टू जीरो। अब जरा ना इसको देखिए, एक तो मुझे ई वाली टर्म दूसरी साइड चाहिए, चाहिए ट्रांसपोज कर दो दूसरी साइड, जो प्रूफ करना है ना उसको देखा करो साथ साथ, आई नीड टू प्रूव दिस। मैंने देखा e वाली टर्म, टू e वाली टर्म, मैं इसको उधर ले जाती हूं। ओके, जब मैं उधर लेके गई, मेरे पास ये टर्म बन गई। अब जरा देखिए, मुझे टू e के नीचे क्या चाहिए, q, आई नीड q, q मेरे पास ऊपर है, नीचे लेके आने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, q स्क्वायर से, तभी नीचे q बचेगा, मुझे q स्क्वायर से पूरी स्टेटमेंट को क्या कर दूं, डिवाइड। मैंने एक चीज ढूंढ ली कि q स्क्वायर से डिवाइड करना, ओके। दूसरी बात, मैंने एक ही तरफ ध्यान दिया सिर्फ, मुझे नीचे p नहीं चाहिए, तो p से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। जरा मैं करके देखूं मेरी वो सारी स्टेटमेंट बनती है कि नहीं, ओके। जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं पी क्यू स्क्वायर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो डी और एक पी कट गया, डी बाय पी बचा। हाँ जी, एफ, एफ के साथ मेरे पास पी बाय क्यू स्क्वायर टू ई बाय क्यू, बाकी सब मैनेज हो गया। प्रॉब्लम कहां आ रही है, यहां पर। हाँ जी, यहां पर प्रॉब्लम, मुझे पता है q स्क्वायर किसके इक्वल है, क्योंकि मुझे f के नीचे तो r चाहिए, तो r लेके आने के लिए मैंने q स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, pp कैंसल f / r। मैंने कोई रट्टा तो नहीं लगाया ना, मैं, मेरे को ऐसे कभी नहीं याद रहता किससे मल्टीप्लाई करना, बुक में तो वो दे राइट मल्टीप्लाई बाय दिस,
कैसे आया वो मैंने आपको बताया, मैंने कैसे सोचा, बात समझ आई? हाउ आई कम टू नो कि वाई आई मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस, जस्ट टू मेक द आंसर इन दिस फॉर्म, ओके, और कुछ नहीं। समझ आ गई बेटा सबको? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? पुलकित वेयर द मास्क बेटा प्लीज, गुरजोत आप भी, क्लियर? एनी अदर प्रॉब्लम जल्दी? ओके जी, एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का करने के ना बहुत अलग बुक्स में अलग अलग मेथड दिए हैं, बट आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट मेथड, क्योंकि प्रूफ में क्या करना है हमें कम पता चल जाता है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 13th सॉरी, इफ ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाय सी माइनस डी एक्स, मुझे प्रूफ करना है ए बी सी डी आर इन जीपी। बेटा अगर जीपी में, मैंने आगे भी आपको बात बताई है, इफ यू वॉन्ट टू प्रूफ एनीथिंग इन जीपी, मान लो आपने ए बी सी डी जीपी में प्रूफ करना है, अगर मैं ये प्रूफ कर दू मेरे पास हो गए बी बाय ए सी बाय बी एंड डी बाय सी, ये सारी रेशियोज इक्वल हैं ऐसे, तो वो मेरी किस में हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। मेरे को यही प्रूफ कर, क्योंकि ये तीन टर्म्स नहीं है ना, अगर थ्री टर्म्स होती तो देन आई विल राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बट एज आई एम हैविंग फोर टर्म्स, जब भी आपको फोर टर्म, एक मेथड तो ये है कि कॉमन रेशियो, एक ये हम के की फॉर्म में भी कह देते हैं कि अगर ए को ए ही रहने दे, बी को ए के प्रूफ कर दे, सी को बी ए के स्क्वायर प्रूफ कर दे, और डी को ए के क्यूब प्रूफ कर दे, मतलब कॉमन रेशियो के ले ले, तो तब भी हमारा काम हो जाता है। तो उसके लिए बेटा अभी मैंने आपको बोला था, जब ऊपर नीचे टर्म सेम होती है ना, और प्लस एंड माइनस होता है, तो क्या अप्लाई करें, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। मैंने पहले सिर्फ ये दो ली, और आई एम ट्राइंग टू अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। जब मैंने अप्लाई किया ऊपर वाली टर्म, ऊपर भी और नीचे भी, ओके जी, और नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब ऊपर वाली मेरे पास जो है, अगर हम देखें ऊपर वाली टर्म ऊपर एंड इन डिनोमिनेटर आल्सो, एंड डिनोमिनेटर टर्म शुड बी एडेड इन न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्टेड इन जो है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन विल चेंज। हम तीनों में इकट्ठे भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला। नाउ दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल, नाउ सी हियर, दिस विल कैंसिल एंड दिस विल कैंसिल, व्हाट यू गेट हियर, 2a 2bx इज इक्वल टू 2b 2cx। अब यहां लगाऊंगी तो सीधा पता लग सकता है, 2c बाय 2dx, 2dx d आएगा ना, है ना, 2 2 2 तो कट गए। अब ये रेशियो है, ये x x x कट सकती है ना, आपके पास रेशियो 2:4:6, आप क्या करते हो 2 से कटिंग कर देते हो, करते हो कि नहीं, तो x x x भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा a by b, b by c और c by d, सारी रेशियो उल्टी कर दो, उल्टी कर दो कि नहीं, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो व्हाट यू गेट, b by a c by b d by c, एंड प्रूफ्ड। ओके बेटा इज इट क्लियर, कोई मुश्किल है? अब थोड़ा सा उसको जनरलाइज होके सोचा कर, मुझे लगता है कि पहली बार हम बच्चों को बताते हैं, हर बार हर बच्चा हर क्या 1% स्टूडेंट जो है वो भी नहीं कर पाते, आई नो इट, दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था असेस करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा, वी आर हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके
क्वेश्चन नंबर 14. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14. और जिन्होंने नहीं किए ना वो प्रॉब्लम उनकी, ये देखना यू आर नॉट एबल टू डू द चैप्टर, अब आगे नहीं कर पाओगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जानी है, फिर आप कहोगे हम बिजी उसमें हो गए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14. लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी. पहले तो मुझे बताओ कि जीपी की टर्म्स कैसी होती है. ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन. अब देखिए खुद सम मेरे पास हो गए, दैट मींस ये दिया मेरे पास ऐसे. जब मैं हमेशा कहती हूं कि जो दिया है ना पहले उसको एक्सप्रेस करो. नाउ नेक्स्ट मुझे दिया था प्रोडक्ट. अब अगर प्रोडक्ट दिया है ये हो गया, दिस इज गिवन. आर क्या दिया था, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म, दैट मींस ओके दिस इज गिवन. और मुझे प्रूफ करना है पी स्क्वायर आर पावर एन एस पावर एन, यही दिया ना. अब जितना सॉल्व कर सकते हो सबकी वैल्यूज निकालो. एस की वैल्यू निकाल सकते हो, आर यू एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस, कैसे हिमांशु? हाँ जी सोच रहे हो. बाकी यस, जीपी का सीधा फॉर्मूला. अरे बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन जीपी क्या होता है मेरे पास, ए पहला सिंप्लीफाई हो गया. नाउ अब पी का, पी क्या करें, एनीबडी फ्रॉम यू कॉमन? यस, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती बेटा. कॉमन हम तब लेते हैं व्हेन द टर्म्स आर विद ऑपरेशन प्लस और माइनस, यहां तो मल्टीप्लाई में. बेसिस आर सेम्स, पावर्स आर एडेड. अगर मैं देखूं ए पावर वन, ए पावर वन, ए पावर एन, ए कितनी बार आया था, एन टाइम, तो ए पावर एन और आर की पावर टू प्लस सो ऑन एन माइनस वन. ओके अब यहां पर एपी का भी मैं आपको डायरेक्ट भी बताना चाहती हूँ फॉर्मूले से, है ना. आगे समेशन एन, समेशन एन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, समेशन एन मींस वन प्लस टू प्लस सो ऑन अप टू एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. और इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. ओके ये जो स्पेशल सीक्वेंस आपकी डिलीट हुई है ना उसमें हम यूज करते थे, बट आपको आना चाहिए चाहे वो डिलीट है. नेक्स्ट समेशन एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स. समेशन एन क्यूब, एन क्यूब, एन क्यूब का मतलब जो ये समेशन एन का फॉर्मूला होता है ना इसका स्क्वायर कर दो, यानी एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बाय फोर. ओके समझ आ गई मेरी बात. अब बेटा यहां पर देखिए मेरे पास हो गए पी ए पावर एन. अब ये देखिए ये एन तक नहीं है, एन यानी फॉर्मूले में जहां जहां एन है बेटा, लिसन आर्यमन, जहां जहां एन है उसको किससे रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन माइनस वन एन बाय टू. आप सिंपल एपी भी लगा सकते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आंसर यही आएगा. ओके नाउ एस पता लग गया, पी पता लग गया, आर क्या है ये? किसका, कौन सी सीरीज का,
क्यों एचपी में जा रहे हो, ये भी तो जीपी है विद फर्स्ट टर्म 1/a एंड कॉमन रेशियो डिवाइड करो 1/r, है ही जीपी है कि नहीं? तो यहां पर भी जीपी का फॉर्मूला लगाना, आपको एचपी सिलेबस में हार्मोनिक मीन होता है, सीरीज होती है, प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नॉट इन अवर सिलेबस, उस पर मत जाओ। हाँ जी हाँ जी, अभी उसमें मत जाओ बेटा, आपको कॉम्पिटेटिव के लिए वी विल टेल यू कि वो रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स होता है, बट यहाँ सिंपल जीपी से निकल रहा है तो हम एचपी में क्यों जाएं? नो नीड टू गो देयर। ओके इज इट क्लियर, समझ आ गई बेटा? और वो एपी के साथ कोरिलेट होता है, एचबी जीपी के साथ कोरिलेट नहीं होता, सो डोंट गो देयर। ठीक है जी, तो मेरे पास हो गए, यहाँ पर आपके पास आर की टर्म भी आ गई, एस की भी आ गई, पी की भी आ गई, दोनों साइड जब मैं पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, दोनों आंसर्स क्या आ जाएंगे? सेम। इज इट क्लियर, समझ आ गई? जो प्रूफ करना था ना, यहां लिखा था दोनों साइड पे वैल्यूज पुट करो, दोनों टर्म्स के आंसर ए और आर में आ जाएंगे। ओके क्लियर, ठीक है बेटा, टुमारो वी विल स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रहता